पहाड़ों से दूर आज मैं जा रही हूँ अपने ड्रीम प्लेस की ओर, यानी वृंदावन की ओर। काफ़ी लंबे टाइम के बाद और काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया था। और ये है ऋषिकेश, जो पहाड़ों से बहुत सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे मैं पहुंच चुकी थी ऋषिकेश मार्केट में, और वहाँ करीबन 30 मिनट के बाद मैं पहुंच चुकी थी हरिद्वार हर की पौड़ी। शाम के 6 बज चुके थे और यहाँ गंगा घाट में गंगा आरती शुरू होने ही वाली थी। और ये यहाँ पर जितने भी लोग थे, ये भी मेरी तरह गंगा आरती का वेट कर रहे थे। बस कुछ ही देर में आरती स्टार्ट होने ही वाली थी, तो मुझे सडनली याद आया कि मुझे यहाँ से तो आरती नहीं दिखने वाली। तो मैं फटाफट से वहाँ से निकली और चली गई घाट की दूसरी साइड, जहाँ से मुझे आरती दिखने वाली थी। तो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुकी थी घाट के एक और साइड पर, जहाँ से गंगा आरती दिख रही थी। बस फाइनली मैंने गंगा आरती देख ली थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और अब मैं यहाँ से सीधा जाने वाली हूँ घर। अब मिलती हूँ आपको कल सुबह। गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। सो गाइज, मैं हूँ अभी हरिद्वार में अपनी बहन के पास। तो गाइज, ये है मेरी प्यारी सी बहन। तो गाइज, मैं आज जा रही हूँ वृंदावन। वैसे तो मैं कल आ गई थी पहाड़ों से, मतलब अपने घर से हरिद्वार, तो मैं एक दिन रुक गई थी हरिद्वार। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, हरिद्वार से। तो गाइज, अब कुछ ही देर में 1:30 बजे मेरी ट्रेन है, और अभी मैं जा रही हूँ हर की पौड़ी, क्योंकि खुशबू और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो वही मेरे साथ, मतलब मैं उनको वही मिलने वाली हूँ, वहीं से हम साथ में जाएंगे। तो बहन गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको ये सारे बैग, ये भी मेरा बैग है बेचारी, मैंने इसको एकदम पुली बना रखा लो। तो गाइस चलते हैं अब सीधा हर की पौड़ी की ओर, और वहां से जाएंगे रेलवे स्टेशन जल्दी से। अब हम निकल चुके हैं घर से, और ये हैं भैया जो मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो गाइस, इस तन्नू को बहुत उल्टी आती है। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं कुछ लोगों से मिलने के लिए, बस कुछ ही देर में खुद हमें मिल जाएगी। बस बढ़िया। तो गाइस, ये आ चुकी मेरी प्यारी सी बहन, जल्दी से बहन। कितनी गंदी बिरयानी थी यहाँ पर भाई साहब। तुम इस बार वाले ने बताओ क्या बोला भाई साहब, तुम एक बार भैया के नाम से ले। गाइस, आ चुका है मेरा भाई जो हमारे साथ जाएगा वृंदावन। और गाइस, इसके अंदर क्या है? अरे लड्डू है, ऐसे नहीं दिखाते। तो गाइस, ये देख सकते हो, ये खुशबू के काम है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार हर की पौड़ी में, और ये है खुशबू, और ये है नितिश, और वो है तन्नू। और गाइस, मैं जो पहुंच चुकी है इन प्यारे झल्ले झल्ले भाई बहनों के साथ। हम भी है यार। गाइस देखिए, खींच लगा। हम करीबन 1.5 घंटा हरिद्वार में घूमे, और फिर हमें याद आया कि हमें वापस अपनी ट्रेन भी पकड़नी है। तो हम फटाफट से बिना टाइम गवाए निकले रेलवे स्टेशन की ओर। हम हरिद्वार से हर की पौड़ी से वापस आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, और मेरी बहन खुशबू। और गाइज, अब मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाती हूँ। देखो गाइज, ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन बाय तन्नू, और ये तन्नू और भैया हमें छोड़ के जा रहे हैं अब वापस। और गाइज, ये है रेलवे स्टेशन, देखो हरिद्वार का। हम निकल चुके हैं अब अपनी ट्रेन की ओर। ये हमारी बंदर बहन खुशबू बहन, कि क्या चुप रहे तू? गाइज छोड़, कैसा लग रहा है तुझे? अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, जब पहुंच जाएंगे तो अच्छा। गाइज, बैग बहुत भारी हमारे, बहुत भारी, बहुत थक लग रही है। अब जल्दी जल्दी से बस ट्रेन छूटे ना गाइस, क्योंकि 1:10 हो रहा है। पर बीस पहले क्यों निकाल ली, पेड़ का बात नहीं कर सकते। देख देख देख, ओए ओए गाइस, ये है हमारी ट्रेन, और यही तो है। चल घुस, रुको रुको रुको, चलो खुशबू बहन घुसो, चलो नितिश बहन घुसो। और गाइस, ये
तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं ट्रेन के अंदर, तो मतलब हमारी ट्रेन अब नहीं छूटने वाली ट्रेन के डब्बे के अंदर। हम लोग ट्रेन के डब्बे के अब बस 10 मिनट बचे, उसके बाद अपनी ट्रेन निकलेगी वृंदावन की ओर। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड। तो गाइज अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और गाइज हमारी ट्रेन चल चुकी है, गाइज ट्रेन में बैठने के बाद मुझे अब इन व्यू को देखकर याद आ रही थी राज और सिमरन की। पहले किसी दूसरे को लेकर जाएंगे अपने साथ, इतनी मेहनत यार, इतनी भूख लग रही थी। थैंक गॉड गाइज हम ये लड्डू लेके आ गए, पता नहीं हमने तीन दो दो रोटियां खाई इतनी बड़ी बड़ी, तब भी भूख लग रही है। हम बोलेंगे हम कागज नहीं डाल रहे, हम लड्डू खाएंगे। लगता है वृंदावन जाने की ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए ज्यादा भूख लग रही है। हर जी लड्डू ये तो हीरा मिल गया। ये भाई से सचिन भाई। जितने तुमने रखा सारा खा लूंगा क्या? हम खाएंगे वो, ये तो दो दिन हो गया खाना नहीं मिला। अभी बज रहे हैं शाम के 7:01 और रात हो चुकी है गाइस, और लाइट्स भी ऑन हो चुकी है। तकरीबन 10 या 9:30 के आसपास हम पहुंच जाएंगे मथुरा। लेकिन गाइस तब तक हमारी हालत बहुत ख़राब होने वाली है, पिछले 5-6 से इस ट्रेन के अंदर थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। और गाइस करीबन 10 मिनट बाद हम पहुंचने वाले थे अपने स्टेशन पे, तो हमने फटाफट से अपना सामान उठा लिया था। दीदी बैग पकड़ चल। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम पहुंच चुके हैं अभी सन में, यानी कि वृंदावन अब हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी लेट हो चुके हैं। और यहां से अब हम जाएंगे सीधा पर। ये देखिए गाइस ये है मथुरा का रेलवे स्टेशन, जो रात को बहुत ही प्यारा लग रहा था। और रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर बहुत सारी ऑटो और ई रिक्शा टैक्सी वगैरह खड़ी थी, जो आपको आपके होटल और घर तक पहुँचा देगी। अच्छा लग रहा है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम निकल चुके थे अपने होटल रूम की तरफ। और उससे पहले हमें लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा कुछ खा लिया जाए। खाली सी प्लेट है, खाली सी ग्लास है, और खाली से हम गाइस ये था मथुरा में हमारा पहला खाना जो हम खाने वाले थे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बहुत भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।